हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी आपको लेके करंट एनर्जी क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज, आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि लाइक उनकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में वो इस टाइम है। ठीक है, आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने फियोंसी, जिनके साथ आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, अगर गाइज आप लोगों का कॉन्टैक्ट है और देखना चाहते हो आप रीडिंग को, तो भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। हो सकता है आप लोगों से काफ़ी चीज़ें मैच कर जाएं। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है। ओके, वट एवर योर लवर, योर फ्रेंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फियोंसी, उनके लिए आप रीडिंग को देख सकते हो। सो चलिए, इस तरह ही गाइस मुझे सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर गाइज आप लोग मस्ट फॉलो करिए। इंस्टा का जो आईडी है वो आपको स्क्रीन पर मैंशन नज़र आ जाएगा। सो चलिए देखते हैं आप लोग जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। सो लेट्स सी आप लोगों को लेके उनकी करंट एनर्जी क्या है, लाइक वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। जब फील करते हैं, सोचते हैं, तो उनकी क्या एनर्जी होती है, आज पहले मैं ये देखना चाहूँगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या एनर्जी रखते हैं, करंटली क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए। सो गाइज, फर्स्ट वी हैव 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। इस पर्सन की एज 24 हो सकती है। 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी डोर्स हैं। ये पर्सन की एनर्जी है, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो है ना। ठीक है, और इनको पता है कि इनको किसी ना किसी तरह से आपके इस कनेक्शन में जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मे बी इस पर्सन को किसी ना चाहते हुए भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जो इसने कभी ना तो की हैं और ना ही कभी करने का सोचा था। लेकिन इस कनेक्शन में ये पर्सन अपने आप को सेटल करने के लिए आपके साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली ये भी ट्राई करेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जिस तरह भी इस पर्सन को एडजस्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली दे विल डू, वट एवर मेल और फीमेल। यस, देन वी हैव 36 सेकेंड चाक्रा। यस, ये पर्सन गाइस काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि आप लोगों की तरफ एक्शन ले सके। 36 इनकी एज हो सकती है, 9 नंबर इम्पोर्टेंस हो सकता है, 6 एंड 9 डेफिनेटली, ये 6 है और ये 9 है नंबर। सो गाइस, 6 9 नंबर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली 6 एंड 9 जो होता है वो ऑपोजिट नंबर है, तो आप लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, बट स्टिल ये पर्सन जो है अपने आप की इतनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप कर रहे हैं ताकि आप लोगों की तरफ एक्शन ले सकें, आप लोगों की तरफ आ सकें, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी है, और किसी ना किसी तरह से इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। सो कॉम्प्रोमाइज़ ये करेंगे आप, अगर पहले भी नहीं किया तो आप डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, अगेन हमारे पास 9 ब्रोकन हार्ट। इस पर्सन का दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी सैड है, ऑब्वियसली आपका नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही। ठीक है, काफ़ी पेन में है आपके पार्टनर्स। 9 अगेन नंबर है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ है इस टाइम, डेफिनेटली काफ़ी सेपरेशन आप लोगों का चल तो रहा है, और ये पर्सन काफ़ी सैड है। इनकी एनर्जी आप लोगों को लेके ना काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, लाइक ये पर्सन मिस कर रहा है, काफ़ी ग्रीफ है, काफ़ी दुख में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं जहाँ से ये पर्सन आप लोगों के पास आ सके, आपसे बात कर सके। ठीक है, इन्होंने आपका अगर पहले दिल तोड़ा है तो आप इनका खुद दिल टूटा हुआ है, जैसी करनी वैसी बढ़नी वो सिचुएशन हो रही है। देन वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पज। यस, इस पर्सन के लाइफ का पर्पज आप लोगों के साथ मीटिंग करना है, आप लोगों को पाना है। ये पर्सन किस तरह का म्यूजिशियन हो सकता है, शायद ये पर्सन हो सकता है वॉयलेंट बन जाता हो। ठीक है, यस, देन वी हैव 29 इस पर्सन की एज हो सकती है, आप दोनों सिंगल भी हो सकते हो। यस, बिकॉज दिस इज़ आर जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है सब बातें आपसे रेजोनेट हों,
कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हो सकता है, लेकिन स्टिल आपको चाहता है। इस पर्सन की लाइफ का पर्पज़ आप लोगों से बात करना है, आप लोगों को पाना है, एक सोलमेट कनेक्शन गाइस ये पर्सन आप लोगों के साथ फील कर रहा है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है 11/2/29 साइकिल। यस, इस टाइम आप लोगों का कोई ना कोई साइकिल चल रहा है गाइस। कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हो आप लोग दोनों ही इस टाइम, ठीक है। लेसन सीखने हैं, दैट्स वाई चीज़ें नेचुरली ही यूनिवर्स की तरफ से ही अच्छी नहीं चल रही। तो 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ मीटिंग करना चाहता है। पास से पर्सन है तो आपसे मिलना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपके साथ। तो इस टाइम जो आपका साइकिल चल रहा है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से है, ठीक है। उसको नोबडी कैन स्टॉप, उसको आप किसी भी तरह से फोर्स भी कर लो ना तो ठीक नहीं कर सकते, चीज़ों को रिजोल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वो नेचुरली चल रही है। देन वी हैव एंट्रैपमेंट, यस, या तो आप लोगों के पर्सन हो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ट्रैप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, जहाँ से ये पर्सन सैड है, निकलना चाहता है वहाँ से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके, ओके। अदरवाइज ये पर्सन की अपनी नेगेटिव थिंकिंग है कुछ ऐसी, ये पर्सन नेगेटिव सोचता है कि चीज़ों से कैसे निकले, बट ट्रैप है। या तो ये पर्सन को डरता है, डर है कि चीज़ें कैसे बेटर की जाएं आप लोगों के साथ कनेक्शन में। 34 एज हो सकती है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पे है लव। 28 एज हो सकती है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, ये पर्सन आप लोगों से लव करता है, क्योंकि अपने अपना लाइफ पार्टनर आप में देखता है। ये जब अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढता है ना, अगर ये सिंगल भी है तो ये पर्सन के सामने आपका फेस आता है। आई फील लाइक इस पर्सन के पास आपकी कोई पिक्चर है जहाँ से ये पर्सन आपको देखता रहता है, और शायद पिक्चर से बातें वगैरह भी करता है। कुछ लोगों की नेचर होती है ऐसी, जो बातें आपके सामने बोल नहीं सकता या आपको बोलना चाहता है, ये पर्सन आपकी पिक्चर को बोलता है। व्हाटएवर, इसके फ़ोन में पिक्चर है या वैसे इसके पास कोई पिक्चर है आपकी। काफ़ी लव करता है गाइस ये पर्सन आप लोगों से, बट इस टाइम सिचुएशन आप लोगों की जो है ना, वो आप लोगों के भी हाथ में नहीं है, इस पर्सन के हाथ में भी नहीं है, यूनिवर्स के हाथ में है। कर नहीं सकता कुछ ये पर्सन, करना तो बहुत कुछ चाहता है आप लोगों के लिए। जिस तरह का भी इस पर्सन को कोई डोर मिले ओपन, या आप लोगों को अप्रोच करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ का पर्पज़ आप लोगों को पाना है, आप लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना है, तो ये वो चाहता है। बट यूनिवर्स की तरफ से साइकिल्स चल रहे हैं, किसी ना किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स हैं आप लोगों के लाइफ में, लेसन सीखने हैं आपने अपनी लाइफ में, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में, तो वही चीज़ें चल रही हैं। दैट्स वाई आप दोनों ही एनर्जी, मुझे लगता है आप दोनों ना अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो, खुद को करना बहुत कुछ चाहते हो, निकलना भी चाहते हो उन सिचुएशन से, बट निकल नहीं पा रहे। दोनों लव करते हो, मुझे एनर्जी आई डोंट नो, मैं एक की देख रही हूँ, मुझे दोनों की आ रही है। रेस्ट, यस, ये पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है, और ये पर्सन पीस आप लोगों के साथ देखता है, अपना मेंटली अपना इमोशनली पीस इस पर्सन को लगता है आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली। देन वी हैव हंगर, यस, ये पर्सन आप लोगों के लिए गाइस तरफ पर है। इस पर्सन को आप एक भूख होता है हंगर, तो इस पर्सन को आपकी भूख है आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, आप लोगों से बात करने की, लॉन्गिंग तरफ रही है इस पर्सन का, इस पर्सन की सोल आप लोगों से मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए ना तरफ रही है, ये सिचुएशन है। तो ये पर्सन रेस्ट चाहता है अपनी लाइफ में, शायद ये पर्सन सोता भी है तो इस पर्सन को नींद नहीं आती सही से, क्योंकि मेंटली आप चल रहे हो। तो काफ़ी एनर्जी जो है वो आज की बहुत ज़्यादा हट की एनर्जी है, दिस पर्सन इज सो सीरियस। सैडनेस, यस, ये भी सैड है, ये भी सैड है, काफ़ी सैड है ये पर्सन, मिस कर रहा है आपको डेफिनेटली। एनर्जी ये आपकी भी हो सकती है गाइस, मुझे तो यहाँ पे दोनों की ही लग रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, आपको मिस कर रहा है, आपके बिना नहीं रह पा रहा, आपसे मिलना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे लव करता है। इस टाइम इस पर्सन और आपके दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, डिस्ट्रप्शन, ये जो चीज़ों को ठीक नहीं होने दे रहा, यूनिवर्स भी है, लेकिन कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली हो सकती है, आप या ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हो, जो कि आप दोनों के दरमियान उनकी हर्डल्स हैं, उन्होंने बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं, उनकी वजह से आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, सफ़र आपको करना पड़ रहा है, जबकि प्रॉब्लम्स दूसरी क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं एक होने दे रहे ये लोग, ये सिचुएशन चल रही है। सो काफ़ी ज़्यादा स्वेयर सी जो है सिचुएशन चल रही है आप दोनों के इस कनेक्शन में, आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है आप लोगों की फील हो रही है। ये पर्सन सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, वट एवर मेल फीमेल, लेकिन नहीं हो पा रहा रेस्ट, क्योंकि सुकून नहीं है। यस,
आई फील लाइक ये पर्सन रोता भी है, वट एवर मेल फीमेल स्लोइंग डाउन काफ़ी मज़े की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लाइक कार्ड्स की जो एनर्जी है, लाइक एनर्जी अभी आ रही है अच्छी, तो मैं चाहती हूँ कि कार्ड आपको सारे नज़र आने चाहिए, ठीक है ना। सो यस, बट ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैड है गाइस, ओके हमारे पास है स्लोइंग डाउन, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो, बट इसके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन लीस्ट कॉन्टैक्ट। कुछ लोगों की अगर बात होती भी इस पर्सन से तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात होती, लाइक के फिर भी आपको चैन सुकून नहीं है, या तो इग्नोर कर रहा है ये पर्सन क्योंकि इस अभी इस पर्सन के माइंड में और भी चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन वी हैव अबंडेंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या द ड्रीम, सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सिक्स सिक्स और नीचे भी कहीं सिक्स यहाँ पे था साइकिल्स का, सिक्स सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पास्ट का नंबर है सिक्स, तो ये पर्सन रीयूनियन करना चाहता है आप लोगों के साथ कि आपसे मीटिंग हो और चीज़ें बेटर हों आप दोनों के दरमियान। देन वी हैव रिसेप्टिविटी, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो, या एंड यहाँ पे है यस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी हैवी है बहुत ज़्यादा। सो आपके जो पार्टनर्स हैं इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी बर्डन में है, ये पर्सन बर्डन रिलीज करना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे आप लोगों का नज़र आ रहा है, ये पर्सन डिस्टेंस जो है ना उसको ख़त्म करके आप लोगों से मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, बहुत होपलेस है, इस पर्सन को फील ऐसे हो रहा है जैसे आप लोगों ने खुद ही इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, ब्रेकअप तो इस पर्सन ने किया या सेपरेशन किया जिस भी वजह से हुआ, बड़ा भी इसको लग रहा है जैसे आप लोग अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशली भी आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अदरवाइज़ आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है। पहले तो आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चेस कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने चेस करना छोड़ दिया है, वो चीज़ इस पर्सन को ना बड़ी फील होती है गाइस। एंड यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन देखता है आप लोगों के साथ परफेक्ट कपल, इसको लगता है आप मैरिज मटेरियल की तरह हो, आपके साथ शादी करें और आप लोगों के साथ लाइफ बड़ी अच्छी गुजर सकती है, बिकॉज आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट काइंड काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन हो इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज इसको लगता है आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट आइडियल पार्टनर हो। सो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, इस पर्सन का ड्रीम है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, योर कोलीग, योर नेबरहुड, योर फैमिली मेम्बर, एंड आपका कोई ये पर्सन क्लास फेलो भी हो सकता है, ठीक है, और इस पर्सन का ड्रीम है, इस पर्सन ने जब भी डिज़ायर या ड्रीम की है एक पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, स्पेशली अपने फ्यूचर पार्टनर जो फ्यूचर स्पाउस है, उसको आपका चेहरा ही नज़र आया, ठीक है, और अब ये उस जो भी सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप चल रहा है, उसको चेंज करके रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, मैंने बताया आपको, जैसे कोई पिक्चर है तो ये पर्सन पिक्चर देखता है, क्योंकि इस पर्सन को नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, और ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो ताकि आप लोगों की कंप्लीशन हो, ये एक सोलमेट कनेक्शन है गाइस, बहुत ज़्यादा सोलमेट आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, दो डॉल्फिन भी हैं यहाँ पे। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप परफेक्ट हो और आपके साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा रहेगा, फैमिली भी बनती है तो काफ़ी इमोशंस होंगे, काफ़ी लव होगा और काफ़ी प्रोस्पेरिटी भी होगी, लाइक मेंटली फिजिकली इमोशनली आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ये आपको प्रपोजल देना चाहता है और ये भी चाहता है कि आप इसको एक्सेप्ट भी करो। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपको चाहता है गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, बट स्पीड थोड़ी सी स्लो है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन को स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग करके एक स्टेबल प्लानिंग वर्क करके आप लोगों की तरफ आना है, ताकि आप लोगों के साथ कनेक्शन आगे जा सके। नो डाउट ये पर्सन बहुत लव करता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ फील करता है, और इस कनेक्शन में चेंजिंग्स भी करना चाहता है, ताकि इस पर्सन की लाइफ टोटली चेंज हो जाए, सैड मोड से हैप्पीनेस पे जाए इस पर्सन की जो लाइफ है,
because this person is going through a lot in their life, whatever male, female, emotionally, financially तो ये person मुझे settle लग रहा है अपने life में, बहुत कम chances हैं कि financially ये काफ़ी struggle कर रहे हैं, but emotionally लोग मान नहीं रहे, कुछ लोग जान के आपके connection में you know इस person को रोक रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, जबकि ये person आपसे बहुत प्यार करता है. इस person का life का purpose ही आप लोगों को पाना है guys. आप लोगों को जैसा पर्सन जो जाता है ये उसको लगता है आप डिज़र्व करते हो इसको और ये आपको डिज़र्व करता है. इस पर्सन की एज 25-26 या 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. इज 20 प्लस एज हो सकती है स्पेशली मुझे यहाँ पे ना 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. 6 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप मिले हो या मिलने वाले हो या मिलोगे. 6 मंथ हो सकता है आपके लिए या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपका पास्ट का है और आपका कोई ना कोई इस पर्सन से पास्ट का कनेक्शन भी है. लाइक आप लोग हो सकता है अगर पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो पहले आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हो इस जन्म से पहले. ठीक है, यस. सो चेंजिंग्स होने वाली हैं आपके इस कनेक्शन में बिकॉज दिस पर्सन वांट्स बैडली टू रीच आउट टू यू. और प्रपोजल भी मिलने के चांसेस हैं आपको इस पर्सन की तरफ से बिकॉज इस पर्सन का सपना है काफ़ी टाइम से जो ये पर्सन पूरा करना चाहता है अपना ड्रीम. और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. सो मैनिफेस्ट करते रहिए, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी. बट आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में फोकस करना है और वेट नहीं करना, सरेंडर करना है. ओके, सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.